guys, I'm Shanzar. Welcome back to the channel. So today we have Sahil with us. He is currently the CEO and founder of Preplaced. And इससे पहले he was working at Qualcomm. इन्होंने अपना 50 लाख का पैकेज छोड़ के like he started Preplaced. So आपने बोला कि you prepared for IIT JEE. Then why did you choose BITS? And ये IIT JEE का पता चला कैसे? Like did you knew it about it before 10th, 9th या फिर कहाँ से आया सारा इंजीनियरिंग का? हाँ सो ऐसा स्पेसिफिकली मेरे फैमिली में ऑलरेडी वैसा था नहीं कि आईआईटी करना है या समथिंग लाइक दैट. इन दैट टाइम फ्रेम अहमदाबाद गुजरात में इतना कुछ अवेयरनेस नहीं था जितने बड़े सिटीज़ में होता है, मुंबई बैंगलोर एंड एवरीवेयर. तो मेरे केस में ऐसा था कि आई वॉज डूइंग वेल इन स्टडीज़. आई डिड वेरी वेल इन 10th स्टैंडर्ड. इन 11th स्टैंडर्ड आई वॉज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द टॉप 5 इन द एंटायर स्टेट. तो मैं अच्छा कर रहा था उस टाइम पे. एंड दैट इज़ वेयर I was not sure कि IIT जैसा something is a path for me. Okay. तो वो path clear नहीं था मुझे. specifically ऐसा ही था कि classic way ही जाना होता है, boards crack करने होते हैं, अच्छा 90% लाना है and you do this. Right. So that is a time frame where I had first time experienced some sort of guidance, external guidance that really changed my life. हाँ. तो उस टाइम पे मेरे फ्रेंड की मम्मी थी जो मेरी मम्मी को सॉर्ट ऑफ बता रहे थे कि ऐसा 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 करनी चाहिए, आपका बच्चा इतना स्मार्ट है, ये करवाओ वो करवाओ. तो दैट इज़ अ टाइम फ्रेम. उन्होंने ऐसे जिद पकड़ के मेरे को बोला कि नहीं आईआईटी ही करना है. काफ़ी लोग मना भी कर रहे थे बट दैट एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड गाइडेंस रियली किक्ड ऑफ अ पैशन इन मी कि नहीं मुझे इंडिया के टॉप कॉलेज में जाना है. दैट स्ट्रोक द थिंग फॉर मी कि नहीं IIT करना है. एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड डूइंग. आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ लैब्स एंड एवरीथिंग आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर IIT. एंड आफ्टर 2 ईयर्स वर्कड लाइक बिट लेट नाइट्स अप किया लाइक स्टैंडर्ड IITs एंड एवरीथिंग. एंड फिर आई क्लियर्ड IIT JEE. आई ऑल्सो क्रैक्ड BITS एडवांस में बिकॉज बोर्ड्स का भी मार्क्स अच्छा था. आई ऑल्सो क्लियर JEE मेन्स एंड एवरीथिंग. इफ़ यू रियली डोंट गेट इन टॉप 4 IITs अदर देन ऑल दैट द न्यूअर IITs उसमें जाने का पॉइंट नहीं है. तो अपार्ट फ्रॉम दैट BITS में मिल रहा था मुझे एंड NIT सूरत कलकत्ता मिल रहा था. तो फाइनली बिकॉज ऑफ जीरो अटेंडेंस पॉलिसी एंड पर्सनल रूवल एवरीथिंग आई डिसाइडेड टू गो टू BITS. एंड यू टोल्ड मी जैसे मतलब यू डिड योर इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स राइट. Why didn't you choose computer science? Because उस time पे भी I feel ये Google, Amazon, Microsoft दे ही रहे थे packages, colleges में आ ही रहे थे. तो again ये चीज़ भी मेरे पास बिल्कुल कोई guidance नहीं था. वैसा था कि because IIT JEE के time physics was my favorite subject. तो मेरे को लगा physics के साथ what correlates, mechanical engineering, electrical engineering, currents पढ़ाए, motors पढ़ाए, right. This is what I want to do. So I never knew कि CS also much better lucrative field है, जबकि जिसके elder brothers sisters थे वो बता पा रहे थे उनको. तो that is how I entered कि नहीं मेरे को तो mechanical electrical करना है, वही डाला मैंने. That is how I got into electrical. फिर पता चला कि lot of hype around CS is also there inside once I went into the college. Got it. ये ना मतलब काफी मुश्किल decision रहा होगा for all for 4 of you because you were earning a very good package. Like you had like 45-50 LPA types का CTC अपना and उसके साथ you convince your parents कि भाई मेरे को startup पे काम करना है. मेरे को initially यहाँ से इतना पैसा कुछ नहीं बनेगा, शायद बस sustain कर पाऊँ. And raising that seed round and like working on the product साथ साथ में. So how did you convince your parents? Like वो एक sense of motivation अपने लिए अपने parents को कैसे कन्विंस किया कि हाँ भाई अब मेरे को इस पे काम करना है? हाँ सो इट वाज इनिशियली कि जैसे आई टोल्ड वी रीच्ड अ पॉइंट जहाँ पे हम ऑलमोस्ट 22 लाख जैसा कर रहे थे. एंड दैट वाज अ टाइम फ्रेम हम चारों पहले तो खुद को कन्विंस कर रहे थे कि क्या हमें सारे अपने पैशन जॉब्स छोड़ के ये करना है, क्या ये इवन अ बिजनेस पॉसिबिलिटी है या नहीं. तो 2-3 महीना चला काफी थिंकिंग प्रोज कॉन्स्टेबल बीइंग इंजीनियर्स से बताते हो इसका प्रो क्या है, इसका कॉल क्या है, एवरीथिंग वो सब करके जब खुद फाइनल कन्विक्शन आया कि हाँ ये करना है उस टाइम पे फिर घर पे भी बात किया. एंड मोस्टली लाइक बीइंग ऑल फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज यू जनरली गेट अ वो कि US चले जाओ या ये जॉब पे ये कर लो वो कर लो, वाई अब पूरा 8 साल इंजीनियरिंग की हो अब इसमें क्यों जाना है. तो दैट वाज अ जनरल थिंग. बट आफ्टर 1-2 मंथ्स दे रियलाइज कि हाँ इन लोग का पैशन है, ये है वो है. तो दैट वाज गोइंग ऑन. एट द सेम टाइम
फ्रेम ऐसा भी होने लगा कि बड़े बड़े एटैक्स ऑल्सो स्टार्टेड अप्रोचिंग अस. ओके, तो उससे भी और कन्विक्शन आने लगा कि दे कर तो सही रहे हैं. हाँ, कि दे वांटेड अस टू जॉइन देम और समथिंग लाइक दैट. इवन इन्वेस्टर्स से जब बात करने लगे तो देयर वाज लॉट ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम दैट पॉइंट. तो कन्विक्शन धीरे धीरे बढ़ता गया, होने लगा. एंड फिर फाइनली लाइक दिसंबर 2021 वाज अ टाइम फ्रेम कि मैं डिसाइड किया कि नहीं, अपन चारों जॉब छोड़ते हैं एंड वी पुट आवर रेजिग्नेशन लेटर्स की ट्राई करते हैं, क्योंकि इतना पोटेंशियल तो है, शायद वापस जॉब मिल जाए. 4-5 साल एक्सपीरियंस के बाद इट्स नॉट कि नहीं कर पाओगे. हाँ, एक बार ही अपना कुछ ट्राई करके देखते हैं. तो वही था कि मच बिगर इम्पैक्ट करते हैं. इम्पैक्ट ऐसा नहीं था कि क्वालकॉम में एंड वो इंडिविजुअल कंपनीज में नहीं कर रहा था, बट इट वॉज समथिंग कि वी कैन डू मच मच बिगर एंड हेल्प द एजुकेशन सिस्टम ग्रो मच हायर. तो उस टाइम पे हमने डिसाइड किया. December 1st वॉज अ टाइम फ्रेम जब हमने रेजिग्नेशन डाला एंड इट वॉज अ बिग बिग स्टेप. फर्स्ट टाइम ना था, जॉबलेस थे तो वो कुछ भी नहीं था वहाँ पे. एंड दैट इज द टाइम जब हम काफ़ी इन्वेस्टर्स से पिच भी कर रहे थे एंड एवरीथिंग. एंड ऑलमोस्ट 1 month लेटर इन January 2022 वॉज अ टाइम फ्रेम जब हमें फाइनली हमने हमारा सीड राउंड क्लोज किया. सो इट वॉज प्रीटी फास्ट. इतना फास्ट जनरली होता नहीं है. एंड गिवन द मार्केट, न्यू मार्केट कंडीशन ऑल्सो मच टाइम लगता है, बट that was the whole story ki kaise humne great I know ki it was earlier a one off session type of a thing ki tum aao platform pe mentor ke sath session book karo, mentor ke sath baat karo and that's it, iske alawa kuch nahi hai. But now it's like a proper didi bhaiya ki tumhare sath koi piche hai, that he or she will help you, guide you throughout the whole process. ki agar tumhe अभी तुम एक्स कंपनी में हो, तुम्हें वाई कंपनी में जाना है, तो यू कैन जस्ट गेट अ मेंटर फ्रॉम वाई कंपनी. He or she will help you कि कैसे तुम्हें क्या क्या इंटरव्यू प्रोसेस होता है, क्या तुम्हें होता है, क्या तुम्हें प्रिपेयर करना है. एंड एट एवरी स्टेज दे विल बी देयर फॉर यू, राइट? सो कोर्सेज विल ब्रिंग यू टू अ लेवल ए इन माय ओपिनियन, क्योंकि तुम्हें एक लेवल तक ले आएंगे कि इसके बाद यू नीड गाइडेंस. वहां तक तुम कर लोगे. तुमने DSA पढ़ लिया, तुमने किसी भी कोर्स से किया हो, चाहे यूट्यूब से किया हो, बीच में अटक सकते हो सकता है, बट तुम्हें फुल मोटिवेशन तुमने कर लिया. वॉट नेक्स्ट? वॉट नेक्स्ट के टाइम आता है इफ यू वॉन्ट टू बी अ डेटा साइंटिस्ट, इफ यू वॉन्ट टू बी अ फ्रंट एंड इंजीनियर, बैक एंड इंजीनियर, या फिर कुछ भी तुम्हें करना है. सो यू नीड समवन जिसको उसमें एक्सपीरियंस है. वो तुम्हें एक्जैक्टली बताया कि यार ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी, इस टाइप के तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, तभी तुम कर सकते हो, राइट? एंड इफ लाइक यू वॉन्ट टू वर्क एट क्वालकॉम, तो यू विल नीड समवन फ्रॉम क्वालकॉम जो तुम्हें बताए कि क्या चीजें एक्चुअली लाइक करनी होती है वहां जाके, राइट? कोर्सेज से या फिर कॉलेज के प्रोजेक्ट से इतना ज्यादा नहीं सीख पाते, चीजें सीख लेते हैं. यू विल बी एट अ बेस लेवल. अब कोई फर्स्ट ईयर का बंदा है वर्सेज अ पर्सन हु हैज डन मेनी कोर्सेज और लाइक रेड और वर्कड गिवन एग्जाम्स इन कॉलेज, तो नॉलेज उसके पास ज्यादा होगी, बट उसके बाद क्या? सो आई थिंक हेयर ट्री प्लेज कम्स इनटू द पिक्चर. चलो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप तुम्हें पसंद आई होगी सेशन. यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट एंड लाइक जरूर कर देना वीडियो को. मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए.